नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेंथ ए का एक्सरसाइज, टेंथ ए का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें इवेल्युएट करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें इट मींस डिवाइड करना है, देखिए 78.78 डिवाइडेड बाय 0.2, ठीक है। तो अब इसके भी दो तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, 78.78 अपॉन 0.2। एक तरीका क्या है कि इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो इसके बाद जो दो संख्याएं हैं तो यहाँ पे दो जीरो लग जाएंगे, नहीं 100 आ जाएगा। इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ पर, क्योंकि इसके आगे एक संख्या है इसलिए यहाँ पर 10 आ जाएगा, क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब यहाँ ऊपर बचा, देखिए 7878 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, और 2 10 20, और उसके बाद हम 20 से इसको डिवाइड कर दें, 20 3 60 7 9 180 8 3 60 4 80 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। लगाएंगे पॉइंट, उतारा 0 और 9 180, तो इसका आंसर आ गया हमारा 3393.9। एक तरीका ये है करने का, ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि इसमें देखिए 0.2 से हमें डिवाइड करना है, यानी इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही संख्या है इसलिए एक 10 से ही हमें इसके डिनोमिनेटर में भी गुणा कर देनी है और 10 से ही हमें न्यूमिनेटर में भी गुणा कर देनी है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जब 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट क्या होगा, इसको ये एक संख्या यहाँ पर आ जाएगा, शिफ्ट होगा, और ये भी एक संख्या इधर को शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर है। यानी क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7787.8, एक इधर आ जाएगा और इधर हो जाएगा, पॉइंट इधर आ जाएगा 2 के बाद, यानी कि दो संख्या आ जाएगी, 2.0 लग जाएगा, पॉइंट कोई वैल्यू, पॉइंट के बाद वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसे कट जाता है, ठीक है। अब क्या बचा नीचे, 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 787.8 क्या आ जाएगा, 2 3 6 बचा 1, 2 9 18 7 उतार लिया, 2 3 6 1 बचा, ये पॉइंट इधर, अब पॉइंट इधर आ जाएगा और 8 उतारा, 2 9 18 कितना आ गया हमारा 393.9। सेम वही आ गया जो इधर था वो इधर है, क्लियर है। तो हम इन दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो सूटेबल लगे उससे कर दीजिए, क्लियर है। इसका आंसर आ गया 393.9। अब दूसरा देखते हैं इसमें का बी, इसको 1.4 डिवाइडेड बाय 0.14, सेम तरीका इसमें भी अपनाएंगे। अब इसमें देखिए पॉइंट के बाद एक ही संख्या थी इसलिए 10 लिया था, 10 से गुणा करी थी, अब इसमें है पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं, ठीक है, यानी इसको हम गुणा किससे कर देंगे, 100 से। अब इसमें 100 से करेंगे तो पॉइंट जो है दो संख्या के इधर आएगा, यानी 14 के बाद एक जीरो और लगेगा फिर पॉइंट आएगा, ठीक है। इतना भी आए 14, एक जीरो बढ़ा के तब इधर पॉइंट ले लेंगे, सिंपल है, जीरो संख्या नहीं है तो जीरो बढ़ जाता है, ठीक है। इधर भी क्या करेंगे, इधर 2 100 से मल्टीप्लाई करनी है, यानी ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 14.0 आ जाएगा, क्लियर है। अब 14 के बाद का भी जीरो कट जाएगा, ये भी जीरो कट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद के जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, वो काट सकते हैं, ठीक है। अब 14 से हम इसको डिवाइड कर दें 140 को, कितना आ जाएगा 14 1 14 और 14 0 0, यानी कितना आ गया 10 आ गया हमारा आंसर, क्लियर है। अब इसका एक सवाल और बता देती हूँ मैं आपको, जी वाला, इसमें अभी कंफ्यूजन हो या कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, मैं बता दूंगी, ठीक है। और बाकी सवाल अपने आप करने की कोशिश करना। जी वाला और बता देती हूँ मैं, 1.26
एट एट डिवाइडेड बाय 6.1। अब देखिए इसमें किससे डिवाइड करना है, ठीक है, 6.1 से डिवाइड करना है। पॉइंट के बाद सिर्फ एक संख्या है, यानी कि हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में इसकी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। सिंपल है, 10 से करेंगे तो पॉइंट इधर को शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट भी इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 12.688/61.0 आ जाएगा। पॉइंट के बाद का जीरो कट जाएगा, यानी 61 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे 61 में तीन ही संख्या आएंगी और पॉइंट के बीच में आ रहा है, तो पॉइंट हम पहले ही लगा देंगे इसमें, ठीक है। और क्या आ जाएगा, 2 1 2 2 6 12, 3 लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 2 है 4, तर हमने 8। अभी 48 61 से कम है, कम होती संख्या तो हम जीरो उतारने के बावजूद कम है तो हम जीरो लगा के अगली संख्या उतारते हैं। ये तो आपको मालूम होगा, जब हमने संख्या उतारी है, पहले वाली तो घटाई जाती, 6 2 4, हमने संख्या उतार दी अगली संख्या। अब भी जब कम होती है जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो हमें जीरो लगाकर एक और संख्या उतार लेनी होती है, ठीक है। अब हम इसको कितने से डिवाइड कर, 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 1 8 8 6 48, यानी क्या आ गया हमारा आंसर, 0.208। और पॉइंट के पहले कोई संख्या नहीं होती तो हम जीरो लगा लेते हैं, क्लियर है। तो इसके अलावा बाकी सवाल आप अपने आप करने की कोशिश करना, नहीं आते तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है।